हेलो एंड वेलकम टू शेफ्स रसोई। मैं हूँ स्नेहा सिंघी और आज हम बनाएंगे बंगाल की एक फेवरेट रेसिपी कुमड़ोर चोखा। कुमड़ा, आलू और उसमें थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स जो हमेशा आपके घर पे कभी भी अवेलेबल हो सकते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है, लिटरली 15 मिनट में रेडी। और इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, रोटी, लूची, खिचड़ी, कुछ भी। तो चलिए शुरू करते हैं कुमड़ोर चोखा। कुमड़ोर चोखा के लिए पहले हम डालेंगे पैन में मस्टर्ड ऑयल, बहुत ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि हमें पम्पकिन को फ्राई करना है। अब हम वेट करेंगे ताकि थोड़ा गर्म हो जाए और फिर हम अपना पम्पकिन इसमें डालेंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे कुमड़ा। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब इस तेल से आपके आँख जलने लग जाए तब तेल रेडी है, तो उसके बाद आप इसमें जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। चलिए हमारा कुमड़ा पक गया है, अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। हल्की सी कलर आई है इसमें, बस उतना ही चाहिए। अब इसी तेल में हम डालेंगे तेजपत्ता, कश्मीरी चिली बस एक, और थोड़ा सा पाँच फोरन, थोड़ा सा स्प्लैटर। जब शुरू हो जाए हम ऐड करेंगे हमारा आलू। जब तक ये आलू थोड़ा पक रहा है हम इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स को तैयार करते हैं। जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली, आप इसे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं बट मैं इसे वाटर के साथ मिक्स करके डालूंगी। हल्दी, अदरक, थोड़ा सा हींग और पानी, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इससे क्या होता है कि सारे स्पाइसेस इवनली कुक होंगे और अच्छे से मिल जाएंगे आलू और कुमड़े के साथ। अब हम अपने आलू में डालेंगे पीनट्स, आप इसमें काला छोला भी डाल सकते हैं, बंगाल ग्राम जो छोटे छोटे चने होते हैं वो भी बहुत अच्छा जाता है। और जब तक पीनट्स थोड़े ब्राउन नहीं हो जाते तब तक मैं इसमें और कुछ ऐड नहीं करूँगी। चलिए हमारे पीनट्स ब्राउन हो रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेटेड कोकोनट। तो जब तक कोकोनट थोड़ा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम अपना मिक्सचर डालेंगे नहीं, थोड़ा वेट करेंगे और इसे मिलाते रहे, हिलाते रहे ताकि जल नहीं जाए ये कहीं पे भी। चलिए अब कोकोनट थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, अब हम डालते हैं अपना मिक्सचर और अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। और इसे हम पकाएंगे जब तक आलू पूरी तरीके से पक नहीं जाए और कुमड़े के टेक्सचर में नहीं आ जाए। कुमड़ा मतलब पम्पकिन, पम्पकिन मतलब कद्दू। कुमड़ा पम्पकिन को बंगाली में कहते हैं और क्योंकि हम बंगाली डिश बना रहे हैं तो इसे कुमड़े का ही चोखा कहते हैं, कुमड़ोर चोखा। हमारा मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो रहा है और अगर आपके साथ भी ये हो तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल दें और तब तक कुक करें जब तक आलू पूरी तरीके से पक नहीं जाता। हमारा आलू पूरी तरीके से पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हमारा कुमड़ा जो हमने फ्राई किया था, शैलो फ्राई किया था मस्टर्ड ऑयल में। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, शुगर। हमारे सारे रेसिपीज में शुगर जाता है बिकॉज बंगालीज लाइक देयर फूड अ लिटिल स्वीट। अब
हम अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है और लास्ट इंग्रेडिएंट घी। इससे बस फ्लेवर्स थोड़े ज्यादा ऐड होंगे इसमें। बस अब वी रेडी टू सर्व। एंड थोड़ा सा कोकोनट। बस कुमरोर चोखा रेडी। प्लीज इसे घर पे ट्राई करें। Connect with us on Instagram, Twitter, YouTube, and Facebook.